हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5, आई एम हियर फॉर योर इंग्लिश टेक्स्ट बुक क्लास एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू योर इंग्लिश लेसन 16। द चैप्टर्स नेम ऑफ दिस लेसन नीना एंड द बेबी स्पायरोज। नीना इज़ ए नेम ऑफ ए गर्ल एंड स्पायरो मीन्स गौरैया। गौरैया एक छोटी पंछी है जो हम लोगों के साथ ही हम लोगों के घरों में निवास करते हैं। वो बेबी स्पायरोज मीन्स गौरैया के बच्चे, छोटे गौरैया। देयर वॉज ए ग्रेट जॉय इन नीनाज हाउस। नीना के घर में खुशी का माहौल था। नीनाज आंट वॉज गेटिंग मैरिड। नीना की मौसी की शादी हो रही थी। नीना, हर फादर, मदर एंड लिटिल ब्रदर वे आर ऑल गोइंग टू दिल्ली फॉर ए वेडिंग। तो इस शादी में शामिल होने के लिए नीना, उसके पापा, उसकी मम्मी और उसका छोटा भाई सभी दिल्ली जा रहे थे। एवरीवन वाज हैप्पी। सभी बहुत प्रसन्न थे, काफ़ी खुश थे, एक्सेप्ट मीना। मीना को छोड़कर बाकी सब लोग बहुत खुश थे। हर मदर टूक हर टू द मार्केट टू बाई ए न्यू ड्रेस। उसकी माँ उसे लेकर बाज़ार गई एक नया ड्रेस खरीदने के लिए। व्हाट कलर वुड यू लाइक, कौन सा कलर तुम पसंद करती हो, मदर आस्क्ड। माँ ने पूछा। आई डोंट वॉन्ट ए न्यू ड्रेस मदर, मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए माँ, सेड नीना। नीना बोली कि आई डोंट वॉन्ट ए न्यू ड्रेस मदर, सलवार कमीज देन। कि मुझे नया ड्रेस नहीं चाहिए, मेरे पास सलवार और कमीज तो है ना पहले से। नीना शुक हर हेड। नीना ने अपना सिर हिलाया। व्हाट अबाउट दोज लवली वाइट शूज, ये जो बहुत खूबसूरत से ये उजले रंग का जूते दिख रहे हैं, यू सॉ लास्ट वीक, जो तुमने पिछले सप्ताह देखी थी। आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर, थैंक यू मदर, लेकिन अब मैं उसे नहीं पसंद करती, अब मैं उसे नहीं लेना चाहती हूँ, ऐसा नीना ने जवाब दिया अपनी माँ को। बोला, माँ धन्यवाद, लेकिन अब मैं उसे नहीं लेना चाहती। जो उजले जूते, खूबसूरत से उजले जूते हमने पिछले सप्ताह में देखी थी, है ना, तो उन जूतों को मैं अब नहीं लेना चाहती। नीनाज मदर वाज अपसेट। नीना की माँ दुखी हो गई। बट सी सेड नथिंग, लेकिन वह कुछ बोली नहीं। दे वेंट बैक होम, वे लौट कर घर आ गए एंड हैड लंच, और उन्होंने दोपहर का खाना खा लिया। आफ्टर लंच, दोपहर के खाने के उपरांत मदर केम, माँ आई एंड सैट नियर नीना, और नीना के पास बैठ गई। व्हाट इज इट चाइल्ड, नीना बताओ क्या है ये, सी आस्क्ड, वह पूछी। कि व्हाई डिड यू से नो टू एवरीथिंग, कि बाज़ार में तुमने किसी भी चीज़ के लिए ना बोल दिया। मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग, माँ मैं शादी में नहीं जाना चाहती हूँ। बट व्हाई, लेकिन क्यों, नीना सेड
नथिंग इंस्टीट। इसके बदले में जब उसकी माँ ने पूछा कि ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा क्यों चाहती हो तुम, तो नीना इसके बोलने के बजाय चुप रही, कुछ नहीं बोली। टू बिग टीयर्स रोल डाउन हर चीक्स, और उसके आँखों से दो बूंद आंसू गिरकर उसके गाल पे आके रुक गए। मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना, और माँ ने उसे अपने हथेलियों से नीना के बहते हुए आंसू को पोंछ दी। डोंट क्राई माई पेट, शी सेड। वह बोली कि मत रो बच्ची। व्हाई डोंट यू टेल मी व्हाट इज बोदरिंग यू, कि तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो कि तुम्हारे साथ गड़बड़ी क्या है। मोर टीयर्स रोल डाउन नीना चीक्स, और नीना के आँख से निरंतर आंसू बहते रहे, उसके गालों पर गिरते रहे। मदर शी सेड, वह बोली, देयर इज ए स्पायरोज नेस्ट ऑन दी बुक सेल्फ इन माई रूम, मेरे कमरे में किताबों के सेल्फ के पास गौरैया का घोंसला है। एंड देयर आर टू बेबी स्पायरोज इन दी नेस्ट, और उस घोंसले में गौरैया की दो छोटे बच्चे हैं। आई सी, सेड मदर। माँ ने जवाब दी, बोली कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ। दे आर जस्ट बिगनिंग टू गेट दियर फीदर्स, अभी उनका पंख आना शुरू ही हुआ है। एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री, और इस बढ़ते हुए समय में वे लोग काफ़ी भूख महसूस करते हैं, भूखे होते हैं। ऑल डे लॉन्ग दे क्राई, और पूरा दिन वे लोग चिपचिप करते हुए भूख से रोते रहते हैं। आस्किंग फॉर फूड, और भोजन मांगते हैं। आई सी, सेड मदर, कि माँ ने जवाब दी कि हाँ हाँ मैं जानती हूँ। इफ वी गो द होल प्लेस विल बी ब्लॉक्ड, अगर हम लोग चले जाते हैं तो ये पूरा घर बंद कर दिया जाएगा। एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पायरोज फीड दियर बेबीज, तो कैसे इसके मम्मी इन बच्चों के, गौरैया के बच्चों के मम्मी और पापा इन्हें भोजन कैसे देंगे, कैसे खिलाएंगे। ओह नीना, क्राइड मदर गिविंग हर ए बिग हग। उसकी माँ चिल्लाई, ओह नीना, उसके गाल पे किस करते हुए वह बोली, इज दैट व्हाई यू डोंट वांट टू गो टू दी वेडिंग, यही कारण है कि जिसके वजह से तुम शादी में जाना नहीं चाहती हो। बट दैट इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन ये कोई बड़ी समस्या नहीं है। वी शैल लीव दी विंडो ओपन, हम लोग खिड़की को खुला छोड़ देंगे। ओह कैन बी मदर, कैन बी रियली, क्या सचमुच में हम लोग ऐसा कर सकेंगे। यस यस, वी शैल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम, मैं इस कमरे से तुम्हारे सारे सामान हटा दूंगी। एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, और बाहर से दरवाज़ा बंद करके उसमें ताला लगा दूंगी। सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ, और इस तरह से घर बिल्कुल सुरक्षित हो जाएगा। एंड पापा एंड मम्मा स्पायरो कैन कम एंड गो फ्रीली, और गौरैया के बच्चों की मम्मी और पापा स्वतंत्र होकर खिड़की के सहायता से आना जाना करते रहेंगे। जस्ट थिंक नीना,
सोचो नीना कि वाइल यू इन्जॉय योर सेल्फ एट द वेडिंग, कि तुम एक तरफ से शादी में इन्जॉय करती रहोगी एंड द बेबी स्पायरोज विल बी गेटिंग नाइस एंड फैट इन दियर नेस्ट, और ये गौरैया के जो छोटे बच्चे हैं वो अपने घोंसले में धीरे धीरे बड़े हो रहे होंगे। गुड आइडिया इजंट इट, बहुत अच्छा आइडिया है क्या नहीं है? इट वाज ए गुड आइडिया, यह बहुत ही अच्छा आइडिया था, अच्छा विचार था। वेन नीना केम बैक फ्रॉम द वेडिंग, जब नीना शादी से वापस लौट कर आई, देयर वेयर टू प्लम्प लिटिल एस्पायरोज, तो दो गौरैया के छोटे बच्चे फ्लाइंग ऑल ओवर द रूम, वो कमरे के चारों तरफ उड़ रहे थे, एंड वाजंट नीना थ्रिल्ड, और नीना को उनके उड़ते होने के वजह से ऐसा कोई आश्चर्य नहीं हुआ, बिकॉज सी कम्प्लीटली नोज बिफोर कमिंग एट हर रूम दैट द बेबी एस्पायरो द बेबी एस्पायरोज आर वेरी सेफ इन आवर बुक सेल्फ नेस्ट एंड दे आर ग्रोइंग ओल्ड विथ ए गुड फीडिंग बाई दियर मम्मी एंड पापा। दिस चैप्टर इज ओवर, ट्राई टू लर्न इट, सीइंग माई वीडियो अगेन एंड अगेन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।